कदमदान में नजर आते हैं। मैं शेर पर के रुख होता हूँ, चन्ना सिंह दियार दस्तार बचाना पार पालो, चन्ना सिंह दियार दस्तार बचाना पाओगे पुरुषी पंगा पाओगे। जिस दिन आएंगे बगावत कर हम लोग मोदी अपनी सरकार बचाना शायद सरफिरा हो गया था कि तुम्हारे सामने एक खड़ा था और 7 तारीख को अपना चुनाव बटन पतन छाप पे बजाया। इंशाल्लाह दिलाएंगे हम लोग। इंतजार की वो घड़ी अब खत्म हो चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों, मित्रों, मेरी सरदार माओ बहनों, अभी आपके सामने हमारे उम्मीदवार प्रत्याशी ने कहा कि कैसे जब बाढ़ आती है पूरे बहादुरगंज में और खास तौर से जिस जगह पर आज भी जलसा हो रहा है, करीब 20,000 लोग इससे मुतासिर होते हैं जब यहां पर बाढ़ आती है। उन गांव के नाम गोवल टोला, गोवबारी, अमरखुद, छोटा गुआबार, डोगरा, बालूबारी, आदिवासी टोला, बाली नारंगी, खादी बस्ती, मही बटना, माली टोला, मटियारी। मैं आपको ये वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला, जो अभी हमारे बुजुर्ग ने भी कहा कि बाढ़ की वजह से इतने सब गांव मुतासर होते हैं, 20,000 लोगों की जिंदगी बेहाल हो जाती है और उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, फसलों को नुकसान उठाना पड़ता है, किसान परेशान हो जाता है। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार की कामयाबी के इंशाअल्लाह ताला 6 से 8 महीने के अंदर ये बाढ़ की और ये नदी के पानी को रोकने के लिए तटबंध का काम इंशाअल्लाह ताला अंदर मेरी साथ शुरू कर रहा है। साल से यहां पर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, मगर 20 साल में मैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों से और मोहतरम जनाब तौसीफ साहब से पूछना चाहता हूं कि आप 20 साल में बहादुरगंज की जनता के लिए कोई 20 काम बता दीजिए 5 तारीख से पहले। आप नहीं बता सकते, आप कुछ नहीं बता सकते। तीसरी बात यह है कि हमने बहादुरगंज में, आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। स्कूल अगर है तो टीचर नहीं है, टीचर आता है तो स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। हम आपको, आप ये भी जानते हैं कि हमारे बच्चों की आला तालीम के लिए, ग्रेजुएशन के लिए उनको कभी पटना जाना पड़ता तो कभी दरभंगा जाना पड़ता। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला यहां से अंदर नईमी साहब को आप अपनी दुआओं से, मोहब्बतों से, रोड से कामयाब करने के बाद शिक्षा के ऊपर पूरी तवज्जो दी जाएगी। जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उसमें बच्चे भी आएंगे और टीचर वहां पर बच्चों को पढ़ाएगा और आला तालीम के जो डिग्री, इंशाअल्लाह ताला बहादुरगंज कॉन्स्टिट्यूंसी में क्षेत्र में तेरा घाट पर अंजर नेवी साहब नुमाइंदगी करके डिग्री कॉलेज वहां पर कायम हॉल में लाएंगे। तीसरी बात यह है कि बहादुरगंज में अस्पताल नाम की कोई चीज नहीं है, ना वहां पर आपका खून का इम्तिहान होता, ना वहां पर अल्ट्रासाउंड होता, ना वहां पर दवाइयां मिलती, ना वहां पर इलाज होता। तो बहादुरगंज की जनता के लिए मैं हमारे भाई अंजर नैनी साहब के साथ खड़े होकर उनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि जब यहां की आवाम, यहां की जनता, यहां की माँ और बहनें, बुजुर्ग, नौजवान आपको कामयाब करेंगे
ये बहुत जरूरी है कि अस्पताल से आप सरकार से नुमाइंदगी करके लड़के यहाँ पर सेहत के ताल्लुक से जो सहूलतें दूसरे विधानसभा में मिल रही हैं बहादुरगंज में भी इनको मुहैया कराना इनकी जिम्मेदारी होगी इंशाअल्लाह। कि रोड नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं है, रोड है ही नहीं। अब हमको नहीं मालूम कि तौसीफ साहब रोड पर चलते हैं या हवा में उड़ते हैं, हमको नहीं मालूम। अगर वो रोड पर चलते हैं तो उनको खड्डे नजर आते हैं, मगर 20 साल से कांग्रेस जीत रही है तो हवा में उड़ रहे हैं। हम बहादुरगंज की जनता से कह रहे हैं कि इनकी टांग खींचकर इनको जमीन पर बिठा दी। इनको नजर नहीं आता जमीन की तकलीफ। ये बहादुरगंज की जनता उनको छोड़कर कहां जाएगी? कांग्रेसियों, कौशिक साहब, कल तक आपको बड़ा गुरूर था ना कि हमारा कोई विकल्प नहीं, मुतबादिल नहीं। हम आपसे कह रहे हैं, बल्कि पूरे भारत की जनता से, बिहार की गरीब जनता से और खास तौर से सीमांचल की जनता से कह रहे हैं कि आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी खड़ा हुआ है, आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका आदमी है। और हम इंशाअल्लाह ताला ये तमाम पार्टी के जिनकी गर्दनें बड़ी मोटी हो चुकी है, इंशाअल्लाह ताला इनको सियासी तौर पर पतला करके छोड़ेंगे। बात यह है कि सीमांचल की लड़ाई मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए ये हमारी सबसे पहली लड़ाई होगी। 5 साल पहले भी जब हम सीमांचल को आए थे, हमने बिहार में हमारे सियासी सफर का आगाज सीमांचल से किया। मैं 5 साल पहले ये बात कहा था कि हम सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले तमाम लोगों की इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। उस वक्त कांग्रेस, राजद, जेडीयू वाले और बीजेपी के लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। हमने उन तमाम को उस वक्त भी बताया कि जिस जगह पर मीम का परचम हम लहराते हैं, पीछे पलट कर उस जगह को छोड़कर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पीछे नहीं हटे, हम आते रहे सीमांचल को। बाढ़ आई, हम आते रहे आपके लिए, आपकी आंसुओं को पोंछने के लिए, आपको दिलासा दिलाने के लिए, आपकी हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखने के लिए। जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस किशनगंज में मसला है, हमने जाकर अख्तरुल ईमान साहब, आफ्ताब साहब, आदिल ने जाकर हमने मरकजी मिनिस्टर से, मंत्री से मुलाकात की, वो काम भी करवाना है। शिकार हो चुका ये फुला टीम है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि भैया जरा ये तो बता दो कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, पूरे बिहार प्रदेश में 40 लोकसभा की सीटें हैं, कांग्रेस ने और राजद ने कितने सीट जीते? हम तो सिर्फ एक किशनगंज की सीट पर अख्तरुल ईमान साहब को लड़े। अख्तरुल ईमान ने 3 लाख वोट हासिल किए आप तमाम की जिद्दोजहद, मेहनत, जस्तजू और वोट की वजह से। जेडीयू को 3,25,000 वोट मिले और कांग्रेस के जो अभी मौजूदा सांसद हैं, एमपी हैं, उनको 3,50,000 मिले। अगर हम वोट कटवा होते और अगर अख्तरुल ईमान नहीं लड़ते तो वो भी बीजेपी एनडीए जीत जाती थी ना। हम लड़े बोल के तुम जीते ना, मगर अब हम आपको तयखुन दे रहे हैं कि 2024 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, हमने 3 लाख वोट हासिल किए थे, सुन लो कांग्रेसियों, 2024 में हम 4 लाख से ज्यादा टीम बोलना। और ये कांग्रेस के लोग हमको बोलते हैं कि ओवैसी फिरका परस्त है। मैं पूछना चाहता हूं कि फिरका परस्ती के माने क्या है? अगर मैं सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले लोगों के इंसाफ का मुतालिबा कर रहा हूं, जिनको आजादी के बाद से आज तक उनको उनका हक नहीं मिला, अगर सीमांचल बहादुरगंज की जनता की इंसाफ की का मुतालबा करना, आपके सैलाब बाढ़ में जो तबाही आती है उस तबाही का जिक्र करना, उसका इलाज तलाश करना, बच्चों के शिक्षा का इंतजाम कराना, अस्पताल की तामीर कराना,
कि अगर ये फिरका परस्ती है तो सुनो कांग्रेसियों, इंशाअल्लाह ताला मैं जिंदगी भर यही फिरका परस्ती करता रहूंगा। इनको आईना दिखा रही है, इनके गलतियां दिखा रही है, इनके गुनाह दिखा रही है, इसीलिए ये तिलमिलाकर बौखलाहट का शिकार होकर जब कुछ समझ में नहीं आता किसी आदमी को, जब हमारे पास जवाब नहीं है तो जिस तरह एक दीवाना रोड पर पुकारता है नहीं नहीं वो पागल है, जबकि सबसे बड़ा पागल वही होता है। इसीलिए हम पर इल्जाम लगाते जाते हैं। पूरे भारत में हम सिर्फ 3 लोकसभा की सीट पर लड़े, हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज। 2 पर हैदराबाद में हमने बीजेपी को हराया, अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद की आवाम को सलाम कर उन्होंने वोट डालकर कामयाब किया। औरंगाबाद महाराष्ट्र स्टेट में इम्तियाज जलील ने 23 साल के शिवसेना के एमपी को हरा कर वहां पर एमपी बने। और किशनगंज में आप जानते भाई, ये तो बताओ फिर 306 सीट पर जिम्मेदार नहीं है बीजेपी की कामयाबी के लिए। अगर कांग्रेस पार्टी अच्छी होती, उनमें दम होता, उनमें हिम्मत होती, उनमें कोई दिमाग होता, ना हिम्मत है, ना हौसला है, ना दिमाग है, सिर्फ गुरूर में डूबकर मुकाबला करना चाहते हैं। अगर आज बीजेपी जीतती है तो किसकी वजह से? कांग्रेस की वजह से। मगर जीते तो दिल्ली के परिवार को बोलते नहीं, परिवार ने जिता दिया। हारे तो वैसी जिम्मेदार। आप बताइए महाराष्ट्र में शिवसेना जैसी फिरका परस्त पार्टी से इन्होंने अलायंस कर लिया। 5 साल पहले गठबंधन के नाम पर वोट किया, हम बीजेपी को रोकेंगे, और नीतीश कुमार जाकर मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं। तो क्या इसका जिम्मेदार, क्या इसका जिम्मेदार कांग्रेस और राजद नहीं है कि आपको धोखा देकर वोट हासिल किया, आपको झूठ बोलकर वोट हासिल किया, और आज हम पर उंगली उठा रहे हैं कि नहीं नहीं ओवैसी आया है। अरे ओवैसी जहां पर आता है जिंदगी भर आता रहेगा। और कांग्रेसियों सुन लो, ये सिर्फ बिहार है, इंशाअल्लाह ताला अब वेस्ट बंगाल की भी बारी आएगी, यूपी की भी बारी आएगी, तैयार हो जाओ। ताकत मिले जब गरीब जो बच्चा यहां खड़ा हुआ इसको लीडर बनाया जाए। कब तक परिवार का, एक परिवार का कभी हो? अरे भाई हम ये चाहते हैं कि गरीबों की लीडरशिप पैदा हो, जमीन से उठे, क्योंकि ये जमीन पर जो लोग आप खड़े हैं आपको मालूम भादुरगंज की तकलीफ क्या है। जो 20-20 साल से जीत रहा है उसको ना सीने में धड़कता हुआ दिल है, ना उसकी आंख से आंसू टपकते हैं जब सैलाब में 20,000 लोग तकलीफ पड़ता रहे हैं। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 7 तारीख के दिन सुबह सुबह निकलकर पतंग छाप पर बटन दबाकर